मणिपुर में बीते कई दिनों से हिंसा की खबरें आ रही है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। इस बीच उद्धव गुट के सांसद और शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा, देश के गृह मंत्री दो दिनों से मुंबई में हैं, उन्होंने चुनाव का जायजा लिया, सब किया, पर मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं, वहां का जायजा नहीं ले पा रहे हैं। ये अपने आप को भगवान बताते हैं तो भगवान केवल लाशों को देख रहा है। इस दौरान संजय राउत ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी बड़ा बयान दिया। राउत ने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, इसके जिम्मेदार केवल और केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है, वो ऐसे लोगों के हाथों में देश की सत्ता दी है।